वन प्लस का नया फ्लैगशिप फोन वन प्लस एस थ्री प्रो लॉन्च हो चुका है। चलो इस स्मार्टफोन के बारे में आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब तक आएगा, किस प्राइस पे आएगा, और सबसे बड़ी बात, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। वन प्लस एस थ्री प्रो में आपको 6.78 इंच का बीओई का प्रो एक्स डी आर बीओई एक्स 180 LTPO वर्जन 4.0 कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 2000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है, 2160 हर्ट्ज का PWMDC डिमिंग है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, 10 बिट के कलर्स हैं, DCI-P3 कलर गैमेट है, 4500 nits का पीक ब्राइटनेस है, 1600 nits का हाई ब्राइटनेस मोड है, ओप्पो का P1 डिस्प्ले चिप भी देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी विजन भी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, पिक्सेलेस डिस्प्ले है। चलो डिस्प्ले के स्पेशलिटीज के ऊपर साधारण शब्दों में चर्चा करते हैं। देखो यार, डिस्प्ले काफी प्रीमियम है। 80-90-1 लाख रुपए के स्मार्टफोन में जैसा डिस्प्ले मिलता है, वैसा डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि BOE का X1 पैनल काफी प्रीमियम है यार। ये डिस्प्ले काफी अच्छे कलर रिप्रोडक्शन देता है, काफी बैलेंस कलर्स देखने को मिलते हैं, और कलर्स का डेप्थ भी बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर 450 का PPI देखने को मिल रहा है, तो शार्पन कॉन्टेंट भी देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस लेवल्स भी काफी अच्छे हैं, स्क्रीन प्रोटेक्शन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, और सबसे लेटेस्ट LTPO 4.0 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो चाहे आप गेमिंग कर लो, चाहे कंटेंट कंज्यूमिंग कर लो, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा आपका अमेजिंग रहेगा, काफी क्लियर महसूस होगा। वन प्लस का ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वन प्लस वालों ने बहुत ही ज्यादा BOE X1 पैनल को खरीद लिए हैं BOE से, क्योंकि वन प्लस 12 में भी यही सेम डिस्प्ले है, वन प्लस 12R में भी यही डिस्प्ले है, वन प्लस S3 प्रो में भी यही डिस्प्ले है, सब जगह BOE का X1 पैनल ही छाया है। वन प्लस वाले बहुत ज्यादा पैसा उड़ाए हैं तो दिखाई दे रहा है, और डिस्प्ले मेट की तरफ से इसको A+ का रेटिंग भी देखने को मिला है, तो ग्रीन लाइन इश्यूज, डिस्प्ले इश्यूज ये सब देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका काम ही है डिस्प्ले को जज करना, और A+ रेटिंग लेके आया है, तो यार ये बहुत बड़ी बात है। चलो अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पर आपको वही ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जो वन प्लस 12R में देखने को मिलता है, यानी कि वन प्लस S3 में। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मैक्रो, जो कहना कह लो। जो प्राइमरी कैमरा है सोनी IMX890 कैमरा सेंसर के साथ है, OIS मिल जाएगा। जो अल्ट्रा वाइड है सोनी IMX355 कैमरा सेंसर के साथ है, और जो 2 मेगापिक्सल का है ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ है। 16 का सेल्फी मिल जाएगा सैमसंग के 3P9 कैमरा सेंसर के साथ। आप मेन कैमरा से 4K 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, सेल्फी कैमरा से 1080p में 30fps पे, और मेन कैमरा से 2x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 20x डिजिटल जूम कर लोगे। देखो यार, इस बात को हम नकार नहीं सकते, कैमरास अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये बात भी अनदेखा नहीं कर सकते कि फोन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है टेलीफोटो लेंस मांगता था फोन को, टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, कम से कम इसमें तो दे देते यार। वन प्लस वालों, प्रो वर्जन आप रिलीज किए हो, लेकिन मैं जानता हूँ वन प्लस वाले जान मुझ के नहीं दे रहे हैं, वन प्लस A4 वन प्लस A4 प्रो के लिए वो बचा के रखे हैं, वन प्लस 13R की बात हो रही है जो नेक्स्ट ईयर आएगा। चलो अब बात करते हैं इस फोन के लॉन्च होने के मेन मकसद के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस सेक्शन के बारे में। यहाँ पर आपको कॉलकॉम का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो TSMC के 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे 26 octa-core प्रोसेसर है। एडिनो 750 का GPU मिल जाएगा। देखो यार, परफॉर्मेंस वाइज कोई शिकायत नहीं होगा, काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड अच्छा प्रोसेसर है, जो बैटरी भी बहुत बचाता है, बहुत अच्छा गेमिंग भी करवा देता है, बहुत ही अच्छा स्टेबल प्रोसेसर है। और हाँ मेरे भाई, इस फोन में पिक्सल वर्क्स का X7 इंडिपेंडेंट ग्राफिक चिप भी देखने को मिल जाता है, जिसके चक्कर में आपके गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इमर्सिव होंगे, कमाल के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले परफॉर्मेंस भी बूस्ट अप होगा, और भाई परफॉर्मेंस तो लेवल अप करेगा ही। चलो अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का सॉरी सपोर्ट, LPDDR5X RAM टाइप, 6100 mAh बैटरी, जो वन प्लस के नए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसको वन प्लस कहता है सिलिकॉन कार्बन नेगेटिव इलेक्ट्रोड बैटरी टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चक्कर है, सिंपल वे में समझा देता हूँ। इससे बैटरी का हेल्थ और लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा, बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको बहुत ही बड़े बड़े कैपेसिटीज वाले बैटरीज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 6100 mAh बैटरी, और 100W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, 4 साल तक अपडेट्स मिल जाएंगे,
ऑक्सीजन ओएस 14.1 पे रन करता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है, तो साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा। यहाँ पर आपको एनएफसी मिल जाएगा, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, आईआर ब्लास्टर भी है, एक्स एक्सिस लाइनर मोटर है जो कमाल के वाइब्रेशंस देगा, बहुत ही अच्छा 3DVC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, रेन टच टेक्नोलॉजी का सेकेंड जनरेशन देखने को मिल जाता है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, कोई कमी नहीं है। USB 2.0 के साथ आया, मुझे तकलीफ हुआ, कम ऑन यार OnePlus वालों, प्रो वर्जन निकाले हो, कम से कम USB 3.2 Gen 1 पोर्ट यहाँ तो दे देते। ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, OnePlus अपने इस फोन को तीन मटेरियल्स के साथ रिलीज किया है, मतलब कि ये जो तीन कलर वेरियंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हर एक कलर वेरियंट अलग अलग मटेरियल के साथ है, जैसे कि सिल्वर कलर वेरियंट सिरेमिक बैक के साथ है, इसके अलग थिकनेस अलग वेट्स हैं, जो व्हाइट कलर वेरियंट है वो ग्लास बैक के साथ है, इसके अलग थिकनेस अलग वेट्स हैं, जो ग्रीन वेरियंट है वो लेदर बैक के साथ है, इसके अलग थिकनेस अलग वेट्स हैं। OnePlus का ये स्टाइल मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे आपको मैं बता दूं, सबसे महंगा वेरियंट सिरेमिक वर्जन ही है, उसके चक्कर में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ग्लास और लेदर बेस्ट है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तो ग्लास वर्जन है, लेकिन सिरेमिक देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। और हाँ, यहाँ पर आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाएगा, बिल्ड वाइज बहुत चर्चा कर लिए, अगर डिजाइन वाइज देखोगे तो आपको कुछ नया नया दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो फ्रेम से कनेक्टेड वाला पार्ट था कैमरा हाउसिंग में, वो हट चुका है, एक्चुअली बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल्स के चक्कर में OnePlus ने उसको हटा दिया, क्योंकि कभी कभी गोंद से वो चिपकता नहीं था और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में भी वो निकल जाता था, मतलब कि इतना ड्यूरेबल था नहीं वो डिज़ाइन फैक्टर को चेंज करना ज़रूरी था, दैट्स वाई OnePlus ने हटा दिया, निशान बना दिया, डिज़ाइन कुछ हद तक आपको वैसे ही लगेगा, लेकिन ये बहुत ही इम्प्रूव्ड है। कुछ भी कहो, फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, खासकर सिल्वर कलर और वाइट कलर, लेदर बैक वाला मुझे सस्ता सस्ता वाइब दे रहा है। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन आज चाइना में लॉन्च हो चुका है, इसका बेस वेरिएंट है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, 36,800 रुपीज़, 36,800 रुपये। फिर इसके बाद है 16 प्लस 256GB 40,200 रुपये, 40,200 रुपीज़। फिर उसके बाद है 16 प्लस 512GB 43,700 रुपीज़, 43,700 रुपये। फिर उसके बाद है 24GB प्लस 1TB स्टोरेज, 24GB रैम वाला वर्जन भी है यार, जिसका प्राइस है 50,500 रुपये, 50,500 रुपीज़। अगर आप सिरेमिक बैक वाला वर्जन लोगे तो पैसे और इंक्रीज हो जाएंगे, आप बताओ आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं। चलो अब बात करते हैं, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे ये स्मार्टफोन OnePlus 12T बनकर इंडिया में आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई वो सब स्पेकुलेशंस हैं, अंदाजे हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है उनका। और मैं आपको बता दूं, OnePlus H2 Pro भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन मेरे भाई फिर भी अगर मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलते हैं इस फ़ोन की रिगार्डिंग कि ये चाइना से बाहर निकल रहा है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर से जाना, कमेंट करके बताना कि आपको OnePlus H3 Pro कैसा लगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.